नमस्कार व्यूअर्स, द फेथ ऑफ पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज की एक स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत। ये पॉलिथिन बेस हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए, जमीन के लिए किस प्रकार परेशानी का कारण बन सकता है और हमारी नगर निगम इसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर रही है, आज ही हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। बाजार से कुछ भी सामान लाना हो या कुछ कहीं ले जाना हो तो उसे पॉलिथिन में ही पैक करके या प्लास्टिक की थैली का उपयोग अमूमन अधिकतर लोग करते हैं। इस कारण इस प्लास्टिक की थैली को बनाने बेचने वालों के लिए अच्छा खासा बाजार उपलब्ध है। यह थैली उद्योग कई लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का साधन भी है। जब यह फैक्ट्री से बनकर बाजार और फिर कंज्यूमर तक पहुंचती है, इसकी अलग अलग कीमत होती है और जब तक यह इस्तेमाल में होती है तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल खत्म हुआ और यह सड़क पर या कचरे में आती है तो फिर हमारे पर्यावरण, जमीन और जानवरों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। गाय वगैरह कितनी आ जाती होंगी लगभग? गाय अपनी सही है, तो भाई के लगभग जी सब पालतू गाय लग रही है मेरे को, सबके गले में रस्सी रस्सी बंधी हुई है। पशुओं द्वारा इसे खा लिए जाने पर सैकड़ों गाय बेमौत मर रही हैं और तो और चंद पैसे कमाने के चक्कर में कचरा बीनने वाले सैकड़ों लोग डंपिंग ग्राउंड में कचरे से पन्नी प्लास्टिक आदि चुनने के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्योंकि इस कचरे में ये 200 से 300 रुपए तक की पन्नी या प्लास्टिक का कचरा बीन लेते हैं जिससे उनका घर चलता है, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें कई प्रकार की घातक बीमारियों का शिकार होने का भी अंदेशा बना रहता है। गाय जो है पालतू गाय होंगी लोगों की, ये आप जो पन्नी वगैरह बीनते हो तो क्या रेट में बिकती है आपकी पन्नी? सफ़ेद वाली और काली वाली? और जो प्लास्टिक का दूसरा सामान होता है, गिलास है जैसे प्लेट में शादी में निकलते हैं वो, और क्या क्या मिलता है आपको कचरे में? गत्ता बिलगोश क्या आ जाता है? दिन भर में कितना कमा लेते हो आप? 250 रुपये। तो आप भगाते हो कि नहीं इनको, ये पन्नियाँ वगैरह खाती है? भगाना चाहिए कि नहीं? पता है आपको इससे बीमारियाँ भी बहुत होती हैं, पन्नी से जहरीला धुआं निकलता है उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, मालूम है कैंसर हो जाता है। अगर आपको कोई सहायता दी जाए तो ये पन्नी बीनने का काम छोड़ के आप दूसरा काम कोई करना पसंद करोगे? पशुपालकों से भी एक विशेष अपील है कि वे अपने पशुओं को आवारा पॉलिथीन फिगर का कार्ड बना होगा ना आपका, और पर्यावरण की रक्षा के लिए पॉलिथीन का उपयोग बंद करें। क्या नाम है आपका? तो आप क्या काम करते हो यहाँ? सवाले का पन्नी वगैरह बीन के लाते हो? पॉलिथिन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को उचित कार्य दिलवाना और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह होता है ना, जो शोर से कार्य किया जा रहा है, जांच डॉक्टर ही वगैरह जांच होती है। प्लास्टिक के इस वेस्ट को जो जलाया जाता है, कितने लोगों के बन रहे होंगे सबके कार्ड और पर्यावरण के लिए हवा में यही काम क्यों चुना आप लोगों ने? और कोई काम क्यों बनाने बंद हो गया जी? पहले खदान में काम करते थे, पहले सब लोग खदान में काम करते हैं, इसलिए प्लास्टिक की चीजें शासन अगर जैसे आप लोगों को मदद दे तो आप दूसरा कोई काम करना चाहेंगे? कचरा बीनने वालों को असमय बीमारियों से बचाने, पर्यावरण व जमीन की उर्वरक शक्ति बचाने के लिए हमारे नगर निगम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी दिशा में पॉलिथिन को लोगों की जिंदगी से दूर करने के लिए नगर निगम ने शहर में प्रतिबंधित करने का मन बना लिया है।
लेकिन इसे बंद होने से लोगों को परेशानी ना हो, चाहे इसका उपयोग करने वाला हो या इसे बनाकर बीनकर बेचने वाले लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान नगर निगम ग्वालियर ने एक साल तक पहल करते हुए पॉलिथीन के स्थान पर जूट, कपड़े और कागज के थैलों का चलन बढ़ाने के लिए लोगों को न सिर्फ प्रेरित करना आरंभ कर दिया है, बल्कि इस प्रकार के थैले बनाने के लिए नगर निगम ग्वालियर के द्वारा सेल्फ हेल्प महिला सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के थैले बनवाकर बाजार में बंटवाए जा रहे हैं। इसी के साथ आप सभी से अपील है कि पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, इसे सड़क पर इधर उधर ना फेंके, कूड़ेदान में ही फेंके या नगर निगम की कचरा गाड़ी में ही फेंके। बाजार जब भी जाए तो अपने साथ घर से कपड़े का या किसी पेपर का थैला लेकर जाए, जहाँ तक हो सके जूट के थैलों का ही उपयोग करें। दर्शकों, आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही अगली स्टोरी लेकर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।